खालिद ग्राम रुस्तमपुर तिगरी थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद का है। खालिद के गांव में चंद्रपाल पुत्र हरिकिशन भी रहता है। कुछ समय पहले चंद्रपाल की पत्नी सावित्री व पुत्र पुत्री रीति का लड़का विशाल खालिद की भाभी श्रीमती नसीब जहां के यहां भैंसों का गोबर उठाने आया। घर में सुबह के समय सभी लोग पड़ोस की नई दुल्हन देखने गए थे। तभी मौका देखकर उपरोक्त व्यक्तियों ने खालिद की भाभी के घर में से रुपए व जेवर चुरा लिए। खालिद व खालिद की भाभी ने पूछताछ की तब वह लोग लड़ने मारने को तैयार हो गए और मारपीट करने लगे। खालिद ने इसकी शिकायत थाना भोजपुर पुलिस में की। थाना भोजपुर की पुलिस ने खालिद की कोई बात नहीं सुनी तथा चंद्रपाल के झूठे प्रार्थना पत्र पर खालिद के भाई तोला के विरुद्ध अपराध संख्या 348 बड़े 218 धारा 323 504 IPS SC ST थाना भोजपुर में दर्ज कर ली। खालिद ने बताया कि चंद्रपाल ने अपने हाथों में छुरी से खालिद पर वार किया। तुरंत खालिद ने मोटरसाइकिल से कूदकर अपनी जान बचाई। खालिद ने इसकी सूचना थाना भोजपुर में की परंतु खालिद की रिपोर्ट नहीं लिखी। उसने दरोगा प्रवीण कुमार ने चंद्रपाल को भी थाने बुला लिया तथा दोनों लोगों को बैठाकर फैसला करा दिया कि अब कोई किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। इसके बाद दरोगा प्रवीण कुमार ने कहा कि तुम मुझे 1,00,000 रुपए दे दें तो यह झगड़ा नहीं होगा। खालिद ने रुपए देने से तुरंत मना कर दिया। दरोगा प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ रोज थाने में मुकदमे लिखे जाएंगे। दिनांक 11/10/2018 को खालिद आदि के खिलाफ एक और झूठा मुकदमा चंद्रपाल के द्वारा थाना भोजपुर में लिखा गया। अगर इस तरह के झूठे मुकदमे लिखना दरोगा प्रवीण कुमार को रोका न गया तो गाँव में कोई भी संगीन घटना हो सकती है। खालिद व उसका परिवार वाले सीधे साधे व्यक्ति हैं। वे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि थाना अध्यक्ष थाना भोजपुर को आदेश देकर मामले की जांच किसी अन्य पुलिस अधिकारी से कराने के आदेश देकर तथा दरोगा प्रवीण कुमार को थाना भोजपुर से हटाने की मांग करता है। कृष्ण सिंह जी बताइए आप कहां से आई हैं? क्या शिकायत है? ये शिकायत है हमारे बेटा के और देव देवरों के नाम झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर हमारी गलती है और हम गुनाहगार हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिए। आप किसी से भी जाके पूछ ले गाँव में और हमें न्याय की जरूरत। किसने दर्ज कराया? मुकदमा किसके जरिए दर्ज हुआ? चंद्रपाल क्या मांग है आपकी? किस लिए आई हैं? हम अपनी मतलब इज्जत के लिए आए हैं। झूठे मुकदमे आए थे बच्चों के लिए। अब इज्जतदार आदमी को यही काम थोड़ी है। जो कौन लगातार झूठे मुकदमे बदतमीजी करते हैं? बदतमीजी करते हैं और करोड़ों रुपए पैसे मांगते हैं। कौन लोग करते हैं बदतमीजी? चंद्रपाल हरिजंग एक मतलब कहते हैं हम के लगवा देते। कहाँ से आए आप? ग्राम रुस्तमपुर तिगरी थाना भोजपुर। किस से मिलने आए? SSP साहब से। क्या मामला है पूरा, किस लिए मिलने? बच्चों में झगड़ा हुआ था करीबन 20-25 दिन पहले, तो उसमें ऐसो प्रवीण वो दरोगा प्रवीण कुमार साहब थे, उन्होंने फैसला करा रखा था। फिर उन्होंने हमसे पैसे की मांग रखी। फैसला करने के बाद दे दिया हुआ, सब कुछ हो गया कि अब मुझे 1,00,000 रुपए दो फैसले में, अगर नहीं देते हो तुम तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँ। और उन्होंने कल जो है फिर झूठा मुकदमा एक उन लोगों को ले जाके कि मेरी लड़की को अपहरण करके ये लोग उठा के ले गए और फिर यहाँ से जो है उन्होंने मुकदमा हमारे खिलाफ़ फिर लिखवा दिया कि हम रोज़ उनसे झगड़े ही करेंगे। बिल्कुल झूठा मुकदमा, गांव में पूरे क्षेत्र में कहीं कोई पता नहीं है। रास्ते का उन्होंने जाकर दिखाया, वहां तो पूरा रोड चल रहा है, कहीं भी आप मालूम कर लें। अगर ये प्रवीण कुमार साहब गांव में रहे तो गांव की व्यवस्था बिगड़ सकती है, वहां बहुत खतरनाक मामला हो सकता है, हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले। अगर हम गलती है गुनाहगार हैं और हमने उठाया है उनकी बेटी को तो हमें सजा मिले। किस सिलसिले में यहाँ SSP का? हम जो है ये जो भोपुर के अंदर जो ये चंद्रपाल आया तीसरे दिन मुकदमे लिखाता रहता है, उस सिलसिले में आए झूठे मुकदमे लिखाता रहता है। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ अब तक मुकदमे? इसने अब तक कम से कम 25-30 आदमियों के खिलाफ मुकदमे लिखवा चुका है। मतलब किसी ने लिखवा था, क्या चाहता है वो? बस ये पैसे लेता है, पैसे लेकर फैसले कर लेता, फिर फैसले हमसे भी 2,00,000 रुपए मांग लिया था कि मुझे 2,00,000 रुपए दे दो तो हम फैसला कर लें। हम कहाँ से 2,00,000 रुपए ला के थे जब हमारे पास कुछ ही नहीं था? आपने इसकी शिकायत कभी कहीं दरोगा चौकी थाने में की? सब जगह कर चुके हैं, कोई सुनता ही नहीं। वो कहते हैं ये हरिजन है, हरिजन के डर के मार नहीं सुनते। आज आप कहाँ से किससे मिलने आए हैं? SSP साहब से मिलने के लिए आए हैं। क्या कहा? हमने SSP साहब ने कहा कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे।